गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एड्रेस को डायनेमिक कैसे बनाते हैं, और किसी में से क्वेरी करी कि एड्रेस भी डायनेमिक होता है, तो हमारे पास मोबाइल नंबर्स भी डायनेमिक होते हैं, ऑफिस का, होम का, ठीक है, पर्सनल, प्राइवेट, कंपनी का, तो क्या हम हर एक चीज़ के लिए ही बनाते जाएंगे क्या ऐसे अलग अलग से टेबल? तो एक्चुअल में अगर हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ हो तो हम एक टेबल बना लेंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल चीज़ें हों तो हम कभी भी मल्टीपल टेबल्स नहीं बनाते होते। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ दो टेबल बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ दो टेबल्स बनाएंगे, और दो टेबल से आप जितनी मर्जी डायनेमिक एंट्री कर लो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे आपका एड्रेस हो, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, अगर आप चाहे वो आपका एटीएम नंबर, एटीएम कार्ड, जो व्हाटएवर, ठीक है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ों की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे ये दो टेबल बनेंगे आपके, उसी से दो टेबल से काम हो जाएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं कि वो दो टेबल है कौन से। आप उसको कह सकते हो कि टाइप डिटेल, ठीक है, और टाइप डिटेल नेम कह लो, उसको सिर्फ टाइप डिटेल कह लो, ठीक है। पहला टेबल, दूसरा टेबल, टाइप डिटेल और टाइप डिटेल नेम। टाइप डिटेल में क्या होगा, टाइप, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से देखना आप, क्योंकि अगर ये पहले नहीं पढ़ा तो आपके हाथ से बहुत चीज़ें चली जाएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीपल की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। टाइप डिटेल आईडी आ जाएगी और टाइप डिटेल नेम आ जाएगा, ठीक है। टाइप डिटेल आईडी, टाइप डिटेल नेम। एग्जांपल वन में से होगा टाइप डिटेल, कौन सी टाइप है उसकी डिटेल मेरे को यहाँ पे रखनी, जैसे एड्रेस, ठीक है, टाइप डिटेल एड्रेस। सेकंड, टाइप डिटेल, टाइप डिटेल नेम मोबाइल, ठीक है, एटीएम कार्ड, वैसे एटीएम होगा नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को ये मल्टीपल रखने हैं, एड्रेस मल्टीपल रखने हैं, फोन नंबर मल्टीपल रखने हैं और एटीएम कार्ड मल्टीपल रखने हैं, ठीक है। तो मैंने टाइप डिटेल में क्या कर दिया, एंट्री कर दी। अगर फ्यूचर में आपको कोई और भी चाहिए होगा तो आप उसकी एंट्री भी कर दोगे, और साथ में इसके अलावा जो पांच कॉलम है वो आपको पता ही है, वो कॉमन रहेंगे। अब चलते हैं टाइप डिटेल नेम में, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो हो गया टाइप डिटेल नेम आईडी, इसकी खुद की प्राइमरी की हो गई, ठीक है। उसके बाद टाइप डिटेल आईडी, ये होगी फॉरेन की, ठीक है, इसके साथ रिलेशन बनेगा, ये प्राइमरी की थी। उसके बाद अब यहां पे आ जाएगा, ठीक है, टाइप, ठीक है, टाइप, टाइप मतलब किस टाइप का होगा, और बाकी के पांच कॉलम कॉमन, ठीक है, आपको समझ लग गया होगा। इसको हल्का सा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, स्ट्रक्चर समझ लग चुका होगा आपको। टाइप में आप वैरकर ले लो, सिंपल, एक टेबल बनेगा टाइप डिटेल, टाइप डिटेल नेम, इसको मैं यहां पे थोड़ा सा लिख देता हूं, टाइप डिटेल, जैसे वन में आ गया था एड्रेस, ठीक है, टू में आ गया था मोबाइल, ये यहां पे एक प्राइमरी की थी, ठीक है, और दूसरा टेबल था टाइप डिटेल नेम, इसमें इसकी प्राइमरी की थी वन, ठीक है, और टाइप डिटेल आईडी मतलब कि इसकी आईडी आएगी यहां पे फॉरेन की बन के वन, उसके बाद था टाइप, ठीक है। अब देखो एड्रेस है, वन आईडी थी, यहां पे हो गया होम, ठीक है, टू पे वन ऑफिस, थ्री पे वन परमानेंट या टेम्परेरी कह लो, ठीक है, टेम्पोरेरी, ये हमारा परमानेंट हो गया एक तरह से, ये हमारा टेम्परेरी हो गया। उसके बाद फोर पे टू, जब टू पे टू आईडी की मोबाइल की, तो मोबाइल नंबर में यहाँ पे लिख लो आप पर्सनल है। उसके बाद फाइव पे टू
कंपनी का है। जैसे लगभग लगभग अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपके पास डेवलपर्स को तो नहीं, बाकी को तो दो नंबर मिल ही आते होते हैं, बल्कि दो नंबर ही होते हैं, एक हमारा पर्सनल होता है, एक हमारा कंपनी का नंबर होता है। कोई जो कॉलिंग कर होती है तो सब खर्चे देती है। चलो आज तो चलो जियो आ चुका है तो खर्चे की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लो एक बार। अगर कोई आपको इश्यू होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि अगर आपको डायनेमिसिटी लेकर आनी है तो ये दो टेबल से ही आएगी, ठीक है। और ये कंसेप्ट नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता, इसलिए आप सीख लो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, अगर आपको मल्टीपल चीज़ें यहाँ पर डायनेमिक चीज़ लिखनी है, जैसे मल्टीपल एड्रेस स्टोर करवाने हैं, मल्टीपल फोन नंबर स्टोर करवाने हैं, तो आपको दो टेबल बनेंगे एक्स्ट्रा, टाइप डिटेल, टाइप डिटेल नेम। टाइप डिटेल में आप डिटेल डाल दोगे हमको क्या क्या मल्टीपल रखना है, एड्रेस रखना है, मोबाइल रखना है, इसके अलावा आप फ्यूचर में कुछ भी ऐड कर सकते हो। टाइप डिटेल नेम में जैसे पहली एंट्री थी एड्रेस, इसकी आईडी आई थी यहाँ पे एड्रेस है, तो मेरा एड्रेस यहाँ पे एंट्री कर दूंगा, होम, ऑफिस, टेम्परेरी, ठीक है। उसके बाद अगर मोबाइल था, पर्सनल है, कंपनी है, ठीक है। अब एक्चुअल में होगा क्या, जो इसकी आईडी बनेगी, ठीक है, इसकी आईडी जो बनेगी टाइप डिटेल नेम, ठीक है, जो अब आपको मैं बता रहा था ना कि जो आपको शो करवाने हैं। अब कैसे पता लगेगा कि ये होम का है या फिर ऑफिस का है, ठीक है, तो टाइप डिटेल टेबल की जो टाइप डिटेल नेम आईडी है, ठीक है, फॉरेन की भी है, इस बिहाफ पे आप इसको एड्रेस को निकाल लोगे, और सॉरी एड्रेस को नहीं, एड्रेस के ये नेम्स को निकाल लोगे कि है क्या शो करवाने के लिए। उसके बाद जो आपका एड्रेस टेबल होगा, ठीक है, वहां पे ये आईडी है तो फॉरेन की सेव हो जाएगी। थोड़ी सी यहां पे कंफ्यूजन है, मैं फिर से जो रिपीट कर देता हूं, ठीक है। हमारे दो टेबल थे, टाइप डिटेल, टाइप डिटेल नेम। टाइप डिटेल में हम क्या करेंगे, सिंपल से करवा देंगे, हमको मल्टीपल कैसे कराना है, एड्रेस, मोबाइल, ठीक है, फ्यूचर जो मर्जी ऐड करो। नेम में इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, एड्रेस कौन से हो सकते हैं, होम, ऑफिस, टेम्परेरी, मोबाइल में क्या हो सकता है, पर्सनल, कंपनी, ठीक है। अब जो ये आईडी है, ये आईडी इंपॉर्टेंट है, हमको पता है कि एड्रेस की आईडी 1 है, ठीक है। अब ये मेरे को पता है एड्रेस की आईडी 1 है, फोन की आईडी 2 है, तो मैं 1 नंबर पे, ये मेरा हार्ड कोड रहेगा, जहां पे एड्रेस है ये मेरे को पता है 1 है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस 1 के व्यापार पे सारे मैं ये पिक कर लूंगा, ठीक है, और जो फॉर्म होगा मेरा, फॉर्म होगा जो एड्रेस का, वहां पे मैं शो करा दूंगा, ठीक है। टाइप जो वहां पे मैंने बताया था आपको भी लास्ट वीडियो में, जो एड्रेस टाइप होगा वहां पे ड्रॉप डाउन में ये चीज शो हो जाएगी। और जो फोन टाइप है या मोबाइल टाइप है उसमें भी ऐसे होगा, सेम ऐसे करके शो कर जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो आईडीज होंगी वो आपके एड्रेस टेबल में जाके सेव हो जाएंगी, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो इसकी एज अ फॉरेन की यहाँ पे सेव हो जाएंगी, ठीक है, और ये प्राइमरी की यहाँ पे होगी जहाँ पे आपने प्रॉपर दिया हुआ है कि घर का एड्रेस है या बाहर का एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप डायनेमिक टेबल को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ दो टेबल की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है, टाइप, चलो शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, टाइप डिटेल नेम, ठीक है, और टाइप डिटेल। इन दो टेबल से आप मल्टीपल टेबल्स की, मल्टीपल डेटा की एंट्री कर सकते हो, चाहे वो एड्रेस हो, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो होप आपको इश्यू कोई नहीं होगा। इन केस अगर कोई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा सा जो फ्रेशर है या फिर जो एक दो साल में उनको थोड़ा सी कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप वीडियो को बार बार देख लेना, और आप अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा एज सून एज पॉसिबल। तो होप आपको इसमें कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं नए नए वीडियोज़ के साथ आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ स्टे कनेक्टेड रहना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।